हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी क्वेरीज आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि मैम आर्मी एमईएस का प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था। तो चलिए आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारे न्यू कैंडिडेट भी आए होंगे, तो उनको मैं बताते चलूं कि आर्मी एमईएस की जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है उसमें टोटल पोस्ट आपका 41,822 सीट्स पे आपको वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट आपका रहेगा मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। फॉर्म की जो फी रहेगी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 100 रुपीज़। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट से यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो गया था आपको 50% एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए ये कट ऑफ गया था 40%। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। लेकिन अभी के हिसाब से कंपटीशन हर चीज में इतना ज्यादा बढ़ गया कि कट ऑफ इतना तो नहीं होने वाला है, इससे कहीं ज्यादा ही होगा। तो अब मुद्दा ये आता है कि आप अपनी तैयारी कहाँ से करो कि आप इस बार के कट ऑफ को पार कर पाओ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। फ्रेंड्स, ये है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से न्यू बुक इंडियन आर्मी एमईएस के लिए, ये बेस्ट बुक रहने वाला है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है 2850 प्लस वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक हल सहित, और ये आपको एज पर न्यू पैटर्न मतलब न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारा कुछ बताया गया है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वाइज ना जो एग्ज़ाम रेलेवेंट चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ ना डिस्क्रिप्टिव वे यानी व्याख्यात्मक हल के साथ दिया हुआ है। और आप लोग देखो बुक में कितना अच्छा से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप भी इस बुक को ख़रीदना चाहते हो तो मिल जाएगा आपके नियर बाई बुक स्टोर्स पर, तो आप जाके अपने नज़दीकी किताब दुकान से इसको ख़रीद सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कि किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, कितना कितना सीट रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका सबसे फर्स्ट पोस्ट है मेट की पोस्ट के लिए 27,930 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है। 10th क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, 10th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस के लिए आपका 11,316 सीट है, 10th पास आउट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए 1,026 सीट है, 10th 12th होना चाहिए मतलब 10th या 12th प्लस में आपको टाइपिंग होना चाहिए, टाइपिंग का नॉलेज यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है। ड्राउट्समैन की पोस्ट के लिए 944 सीट्स है, 12th पास आउट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो तीन पोस्ट है सुपरवाइजर, बैरक एंड स्टोर, इसका आपका 534 सीट है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर का 120 सीट है। आर्किटेक्ट कैडर ग्रेड ए के लिए 44 सीट है। इन तीनों ही पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपको हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि एमए बीटेक या डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त ही क्लैरिफाई किया जाएगा आपको कि इसका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 फैक्टर। ये जो 4 फैक्टर्स है ना यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करती है। फर्स्ट आपका होगा रिटन एग्जाम मतलब कि डिफेंस जॉब में लिखित परीक्षा होती है, ऑफलाइन पेपर होता है पेन एंड पेपर मोड में। फिजिकल या स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज आपका रहेगा कि अब एमटीएस की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल नहीं होगा, तो ऐसे ही पोस्ट वाइज आपको पता चलेगा कि किस पोस्ट का क्या ये है। डीवी मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगी, फिर जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या रहती है इसमें। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स के लिए, टाइम मिलते हैं 2 आवर्स के लिए, निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 का। सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए,
मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस कंबाइंड करके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। ये तो हो जाएगा आपका इन तीनों पोस्ट के लिए। अदरवाइज अगर आप नेट, एमटीएस, स्टोर कीपर और ड्राउट्समैन के लिए जाते हो तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। मतलब कि सिंपली उसमें कोई स्पेशलाइज टॉपिक नहीं रहेगा। सो आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होती है हाइट की मेजरमेंट। मेल कैंडिडेट नॉर्थ इंडियन का मिनिमम हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, अदर्स का यहाँ पे रहेगा 170 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए नॉर्थ इंडियन का रहेगा 150 सेंटीमीटर, अदर्स का 157 सेंटीमीटर। उसके बाद होगी आपकी रनिंग। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट में इसको कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग को 8 मिनट में उनको कंप्लीट करना होगा। तो आपका एग्जाम भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, फिर आपका डीवी मेडिकल भी हो जाएगा, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो सैलरी क्या मिलेगा। चलिए मैं हूं ना, मैं आपको बता देती हूँ क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। सैलरी मिलती है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको 56,100 रुपीज, एंड आफ्टर पर्स एंड अलाउंसेस एंड पर ईयर इंक्रीमेंट के बाद 1,77,500 आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाती है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीट्स भी बम्पर नंबर की है। तैयारी आप अपनी अच्छी करो, स्पीड को बूस्ट करो ताकि जैसे ही फॉर्म आए, अभी आप सोच रहे होंगे मैं जानती हूँ कि फॉर्म कब आएगा, तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपको पहले भी बताया कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो 17 जुलाई को जारी कर दिया गया है, और उसमें लिखा हुआ था कि विद इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह के अंदर रिक्रूटमेंट करा लिया जाएगा। बट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी कुछ काम होता है उसमें थोड़ा सा हो जाता है डिले, किसी रीजन से ही डिले हो रहा होगा, क्योंकि उसमें ना लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि कुछ पोस्ट के लिए SSC एग्जाम कंडक्ट करेगी, कुछ के लिए UPSC करेगी, तो वो सारा कुछ डिसाइड होते ही आपका ये एग्जाम हो जाएगा। मोस्ट लाइकली आप ये सोच सकते हो कि अक्टूबर लास्ट से लेकिन नवंबर तक ये वैकेंसी हम सभी के बीच आ जाएगी। तो घबराना नहीं है, वेट करना है। आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल आज बताए हैं आर्मी MES रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर कहीं पे कुछ छूट गया हो, आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम और आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही सारे जॉब के नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे अपडेट करते रहती हूँ। तो उन जगहों पे आप मुझे कैसे फॉलो करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया लिंक, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।